Hey yo, what's up guys, PJ's here. Oh, wrong guy. Well, आप लोग सोच रहे होंगे पारस गुगलानी साहब कहाँ हैं, वो अभी छुट्टियां मनाने गए हैं और उन्होंने मुझे बोला है कि मैं अपने चैनल की प्रमोशन कर सकता हूँ, तो आज मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम सीखेंगे कि ओवरक्लॉकिंग क्या होती है। ओवरक्लॉकिंग ऐसी जादुई कला है जिससे हम अपने इलेक्ट्रॉनिक्स को फोर्स कर सकते हैं कि वो फास्ट चले। अब किस किस चीजों को हम ओवरक्लॉक कर सकते हैं, आपका सीपीयू, जीपीयू, मेमोरी, आप अपने मॉनिटर को भी ओवरक्लॉक कर सकते हैं, पर वो कोई टॉपिक अलग है, वो तो किसी और वीडियो में। पर आज के लिए जानते हैं कि प्रोसेसर जो मेन है, तो इनकी जो आपने जब कभी भी वो देखा होगा, जब कभी भी शॉप में जाते होंगे, उनसे पूछते होंगे कि इसमें प्रोसेसर कोई लगा होता है, वो बोलते हैं 1.3 गीगाहर्ट्ज़ क्वाड कोर प्रोसेसर, 2.3 गीगाहर्ट्ज़ एमएसएम क्वालकॉम ब्ला 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 ब्ला। तो ये जो मेगाहर्ट्ज़ और गीगाहर्ट्ज़ होते हैं, ये इनकी फ्रीक्वेंसी होती है, जैसे 1.3 गीगाहर्ट्ज़, 2.3 गीगाहर्ट्ज़, 4.3 गीगाहर्ट्ज़, इनकी फ्रीक्वेंसी होती है। अब ओवरक्लॉक किस दो कॉम्बिनेशन के वर्ड से बना हुआ है, ओवर क्लॉक, ओवर का मतलब बढ़ाना, और क्लॉक का मतलब जो मैंने बताया आपको फ्रीक्वेंसी, उसको बढ़ाना, ओवर क्लॉक, ओवर क्लॉक। अब आपको पता लग गया कि ओवरक्लॉक क्या है। अब ओवरक्लॉक करते कैसे हैं, एंड्रॉइड में तो सिंपल है, आप बूट करो, फिर उसके बाद प्ले स्टोर में जाओ, उधर ओवरक्लॉक ही लिख दो, इतनी सारी एप्लीकेशन आ जाएंगी, आप चेंज कर सकते हो फ्रीक्वेंसी, उसके बाद सही हो जाएगा आपका। अगर आपको लैपटॉप या डेस्कटॉप की करनी है ओवरक्लॉकिंग, तो आप गूगल पे सिंपल सर्च रिजल्ट मार सकते हैं ओवरक्लॉकिंग टूल, तो इतने सारे रिजल्ट आ जाएंगे, कोई भी आप एप्लीकेशन कर सकते हो, तो जो टॉप पे ही होता है वही वैसे पॉपुलर होता है, तो आप उधर से डाउनलोड कर सकते हैं, या तो फिर आप बायस में जा सकते हैं, उधर भी अपनी सेटिंग चेंज कर सकते हैं कंप्यूटर की, तो उधर से भी हो सकता है, टूल से भी हो सकता है, बायस से भी हो सकता है, जैसे आपको पसंद आता है कर सकते हैं ओवरक्लॉकिंग। अब अगर कोई मेरे को ये बोलेगा कि सचिन थैंक यू मेरे को ओवरक्लॉकिंग के बारे में बताने के लिए, मैं अब अपने 2 गीगाहर्ट्ज़ के कंप्यूटर को 7 गीगाहर्ट्ज़ तक ले जाऊंगा, इतना फास्ट हो जाएगा भाई, मजा आ जाएगा, मजा, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं कि ऐसा ही करना नहीं चाहिए। आप किसी भी चीज को ऐसे नहीं ओवरक्लॉक कर सकते, उसमें आप ऐसे नहीं बढ़ा दी कि फ्रीक्वेंसी और ऐसे ही उसका इफेक्ट कुछ हो गया नहीं, उसमें बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं, जैसे कि उसका हीट आउटपुट कितना है, कितनी गर्मी निकल रही है प्रोसेसर से उसमें। अब कभी कभी तो ये होता है कि स्पेशल लिक्विड कूलिंग और अच्छे खासे जो बड़े बड़े वो फैन होते हैं ना, पंखे, वो चाहिए होता है ठंडा करने के लिए प्रोसेसर को, इतना गर्म हो जाता है। अगर आप एक्सट्रीम ओवरक्लॉकिंग ज़्यादा ही कुछ करने वाले हैं और उसमें पावर सप्लाई पावर दे रही है कि नहीं, आपका प्रोसेसर सपोर्ट करता है ओवरक्लॉकिंग, आपका मदरबोर्ड सपोर्ट करता है ओवरक्लॉकिंग, और कितनी ओवरक्लॉकिंग कर सकता है वो, कितना मतलब उसका स्टेबल है कि नहीं, सिस्टम को स्टेबिलिटी टेस्ट करना होता है कि एक बार ओवरक्लॉक तो कर दिया, अब जब वो स्टेबल नहीं है तो ओवरक्लॉकिंग का फ़ायदा क्या, तो उसको स्ट्रेस देना होता है जिसमें वो 3-4 घंटों तक चलता है, जिसमें पूरी उसकी जान निकल जाती है कंप्यूटर की, तो पर पता चल जाता है कि वो स्टेबल है। ऐसे ही फ्रीक्वेंसी से पंगे ना लेने लग जाना, नहीं तो कुछ ऐसे होगा। तो हम ओवरक्लॉकिंग करते क्यों हैं भाई, जो चीज हम ओवरक्लॉकिंग कर रहे हैं उसकी वजह से बत्ती फूकी जाए, वो अगर कोई फायदा ही नहीं हो रहा, तो पहला फायदा ये है कि आपके जो भी प्रोसेसर, रैम, ग्राफिक कार्ड, वो फास्ट हो जाएगा, मतलब 10-15% आपका फास्ट हो ही जाएगा ये, अगर आप ढंग से ओवरक्लॉकिंग कर रहे हैं तो। अब दूसरा फायदा ये है, वैसे ये फायदा नहीं है, वैसे टेक्निकली है, अगर आप ओवरक्लॉकिंग कर सकते हैं तो आप थोड़े मतलब टेक्निकल नॉलेज होगी आपको कि कैसा आपका कंप्यूटर वर्क करता है, कितनी उसकी पावर है, तो आप जो कोई भी प्रॉब्लम आएगी कंप्यूटर में वो आप सॉल्व कर सकते हो। और ओवरक्लॉकिंग की तो काफ़ी सारे कॉम्पिटिशन भी होते हैं फॉरन में, उधर तो स्पेशल नाइट्रोजन जो माइनस उसका 170 डिग्री होता है वो यूज़ करते हैं ठंडा करने के लिए प्रोसेस को, वो इतनी ओवरक्लॉकिंग कर लेते हैं 7 गीगाहर्ट्ज़ तक पहुँचा लेते हैं, जैसे वो कहते हैं ना, जैसे हम कोई कार लेते हैं परफॉर्मेंस तो उसकी इतनी रहती है, और जो स्पीकर लगा रहे हैं उसकी लाइट्स लगा रहे हैं वो थोड़े मतलब ऐसा रहता है ना, दिल को सुकून मिलता है, थोड़ा और उभर के आता है, बस वही बात हो जाती है फिर ओवरक्लॉकिंग की। अब ओवरक्लॉकिंग तो हमने समझ लिया, पर इसके एक सिमिलर चीज होते हैं अंडरक्लॉकिंग। अंडरक्लॉकिंग में क्या करते हैं, वो सीपीयू की फ्रीक्वेंसी को घटा देते हैं, उसको स्लो बना देते हैं। आपने वो जो देखा होगा कि वो जो लो पावर सेविंग मोड, लो पावर सेविंग वो जो आते हैं वो यही तो करते हैं, वो सीपीयू की फ्रीक्वेंसी को घटा देते हैं, उसको स्लो कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं अंडरक्लॉकिंग। अब आप सोच रहे हो सीपीयू को स्लो क्यों बनाना, वैसे इसका भी कुछ फायदा है, जैसे ओवरक्लॉकिंग के कुछ फायदे नुकसान है, इसके भी कुछ फायदे नुकसान है। इसमें ये होगा कि जो आपकी जो परफॉर्मेंस है वो डाउन जरूर हो जाएगी,
पर जो बैटरी लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, तो इसका एक फ़ायदा ये है। और जो हीट आउटपुट है, जो गर्मी निकलती थी सीपीयू से, वो बहुत कम हो जाएगी। तो अगर आप कोई फ़ोन जैसे आपको गर्म नहीं लगता था ना, अगर आप उसको थोड़ा सा अंडरक्लॉक करेंगे तो वो ठंडा लगने लगेगा। आज हमें इस वीडियो से क्या सीखने को मिलता है, मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि ओवरक्लॉकिंग है तो सही, पर आपको देखना पड़ेगा कि सीपीयू का टेम्परेचर कितना जा रहा है, आपकी पावर सप्लाई ठीक है कि नहीं, मदरबोर्ड सपोर्ट करता है कि नहीं, सीपीयू सपोर्ट करता है कि नहीं, इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। अब अंडरक्लॉकिंग में तो आपको मैंने बता ही दिया कि बैटरी सेव होगी। अगर आपको पता है ओवरक्लॉकिंग के बारे में तो थम्स अप, वेल एंड गुड, आप खुद तो करें करें, दूसरों को भी बताएं। और अगर आपको नहीं पता है तो आप किसी से सलाह ले सकते हैं, किसी नॉन से, फ्रेंड से, रिलेटिव से, जिसको ओवरक्लॉकिंग के बारे में पता हो, लेकिन ऐसे तो मैं रिकमेंड नहीं कर सकता इसको। तो आजकल बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल पर जाके आप मेरे को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको कोई कमेंट और सुझाव हो तो आप मेरे को मेल कर सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो तब तक के लिए टेक केयर, स्टे कनेक्टेड।